सास बनने की ट्रेनिंग। सुधा के बेटे की शादी होने वाली थी और वो इतनी एक्साइटेड थी कि आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, तू सबसे आगे ही है। लेकिन हुआ क्या है? सास बनने वाली हूँ मैं। अरे घर में एक नया सदस्य आ जाएगा, कितना अच्छा लगेगा ना। आप और राहुल तो ऑफिस चले जाते थे और मैं पागल की तरह घर में अकेली। अब तो मेरा साथ देने वाली आ रही है इस घर में। बहुत 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 खुश हूँ मैं। ओहो ठीक है बेगम, लेकिन अपनी खुशी को लगाम लगा कर रखो। क्या पता कैसी आए, तुम्हारा साथ देने वाली आए या फिर ऐसी आ जाए जो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद ना करती हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी, शुभ नहीं बोल सकते तो अशुभ तो ना बोले। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, चांदनी चौक जाना है शादी की शॉपिंग के लिए। हाँ हाँ थोड़ी सुबह तो हो जाने दो, दुकानें बाजार खुल तो जाए। तुम सच में ना पागल हो गई हो बहू के आने की खुशी में। बेटा माँ की हरकतें देख रहा था। वो सारी बात फोन पर अपनी होने वाली बीवी राशि को बताता है। फिर पता है क्या हुआ, माँ ना सुबह 6 बजे ही पापा को चांदनी चौक जाने को कहने लगी। दूसरी तरफ राशि कहती है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है ना, सास इतना सोचने वाली मिल रही है, और क्या चाहिए। मैंने भी सोचा है मम्मी जी के साथ बहुत प्यार से रहूंगी, उनका ख्याल रखूंगी और प्यार करूंगी। राहुल भी खुश था, लेकिन बाजार में सुधा जी और उनके पति को एक अजीब से दुकान दिखती है जिसके बाहर लिखा होता है, हमारे यहाँ सास बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये देखिए जरा, लग रहा है आजकल के लोगों को कोई काम नहीं है। अरे सास बनने की भी ट्रेनिंग होती है क्या? दुकान के सामने एक पिंजरा था, उसमें एक तोता बंद था। सुधा की बात सुनकर तोता बोल पड़ता है, अरे नादान औरत, अगर सास सही तो पूरा घर सही रहता है, परिवार बंधा रहता है और आने वाली जनरेशन संस्कारी होती है, लेकिन तू क्या समझेगी, जा जा आगे जा। ओए तोते बड़ा बोल रहा है, क्यों आगे जाऊं, मैं नहीं जा रही। देखा देखा, तेरे जैसी औरत को तो सास बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, निकाल 1000 रुपये और जान दर, नहीं तो पूरी जिंदगी रोती रहेगी। सुधा को तोते की बात में दम लगता है। ए जी निकालो ना जरा 1000 रुपये। अरे पागल हो क्या, जानवर की बात में आ रही हो। किस पागल आदमी की सुन रही हो, जिसे ये भी नहीं पता कि तोता जानवर नहीं पक्षी होता है। चलो निकालो 1000 रुपये और अंदर जाकर सास के रूप में जीवन को सफल कर लो। हाँ जी बात तो ये सही बोल रहा है, कहाँ मैं आपकी बात में आ रही हूँ, मैं तो अंदर जा रही हूँ, 1000 रुपये दीजिए। पति क्या करता, बीवी की आज्ञा सर आंखों पर। लेकिन जैसे ही सुधा अंदर जाती है, सामने कई औरतें पहले से ही बैठी होती हैं। मेरी पहली बहू के वक्त मैंने इतना नहीं सोचा था, और आज वो मेरे सर पर चढ़कर नाचती है गुरुजी, कोई उपाय बताए। तभी गुरु की नजर सुधा पर पड़ती है और वो आंखें बंद कर लेता है। तू पहले भी मेरी दुकान के सामने से होकर गई थी ना, तब क्यों नहीं आई? औरत जो कि गुरु के साथ मिली हुई थी, महाराज तब पता नहीं था कि सच में सास बनने की भी ट्रेनिंग लेनी होती है, लगा था घर में कोई सदस्य आ रहा है जो सारा दिन मेरे साथ रहेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी। चल फिर पैकेज लेकर 20,000 वाला कल से आ जाना। जी महाराज, गुरुजी की जय हो। वो औरत भी सुधा को देखती है और कहती है, सही जगह आई हो बहन, 10-20 हजार का मुंह नहीं देखना भाई, बस घर बस जाए तो सोचो गंगा नहा ली, बहुत कमा लेंगे अगर परिवार एक रहा, नहीं तो बुढ़ापा वृद्धाश्रम में बिताओ। सुधा डर जाती है, वो गुरु के पास जाती है और उन्हें पैसे देती है। देखो एक मंत्र गांठ बांध लो कि कभी भी बहू को बेटी ना समझना, जितना दबा कर पहले दिन से रखोगी
धीरे धीरे प्यार दोगी तो मान रखेगी, नहीं तो। ना जी ना गुरुजी, समझ गई समझ गई। अरे भला हो भगवान का जो आपसे मिला दिया, नहीं तो मैं। हाँ, आगे बढ़ते जाए, पीछे और भी लोग हैं, सबको मौका दे। सुधा घर आ जाती है। राशि शादी करके घर आती है तो दिमाग में सास की वही छवि होती है जो राहुल ने दिखाई थी। देखो राशि, मैंने काम वाली हटा दी है, वो क्या है ना 2000 महीने लेती थी, यानी कि 24,000 साल का, और 5 साल में उसे जोड़ो तो 1,20,000 रुपए। माँ जी, और 10 साल जोड़े तो? तभी राहुल आ जाता है। अरे बस बस, इतना मत जोड़ो, फिलहाल भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे पर बर्तन तो गंदे है ना, काम वाली तो आई नहीं, फिर बर्तन कौन धोएगा? अरे कौन धोएगा मतलब, तू धोएगी? मैं? ठीक है मैं धो लेती हूँ, धो धो कर देती हूँ, आप खाना बना ले। अरे खाना भी तू ही बनाएगी। ये क्या बात होती है माँ, क्या हो गया तुझे, कल तक तो कुछ और ही बोल रही थी। लेकिन सुधा का व्यवहार सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहू और बेटा ससुर से बात करते हैं। पिताजी क्या हो गया है माँ जी को, वो क्यों ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। पिता क्या करता, बता देता है सारी कहानी कि कैसे सास का दिमाग एक गुरु जी ने खराब किया है। सास बनने की ट्रेनिंग, तो मामला ये है, वही मैं कहूँ, कहाँ तो माँ बहू का इंतजार ऐसे कर रही थी मानो साक्षात कोई देवी आने वाली है, लेकिन व्यवहार नौकरानी जैसा। देखिए माँ बुरी नहीं है, बस किसी ने उनका दिमाग खराब कर दिया है, तो ऐसे में मेरे पास एक आइडिया है। बहू फुसुर फुसुर करके पति और ससुर से बात करती है। अगले दिन बहू सास के सामने कहती है, अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास है। ये बोलकर बहू निकल जाती है। ये कौन सी क्लास करने जा रही है, पढ़ाई तो खत्म हो गई थी इसकी। अरे माँ, दरअसल वो ये सोचकर आई थी कि तुम माँ जैसी होगी, लेकिन यहाँ तुम तो तुर्रम खां बन गई हो, तो वो किसी बहू बनने की ट्रेनिंग वाली क्लास में गई है। ये बोलकर बेटा बाप की ओर देखता है और आंख मार देता है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी माँ ने भी सास बनने की ट्रेनिंग ली है बेटा, पहले का जमाना और था भाई, कि भोले मन से रिश्ते शुरू किए जाते थे, अब तो नई लड़की घर आते ही नौकरानी हटा देते हैं। बताओ पिछले 25 साल से वो नौकरानी काम कर रही थी, तब तो कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। अरे पापा, आप भी माँ को बोल रहे हैं? अरे माना, वो माँ समझ कर आई, घर में खुशहाली रखने के लिए हमेशा आप लोगों के साथ उठती बैठती, माँ को कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की क्या गलती, अरे दादी ने भी तो ऐसा ही किया होगा ना माँ के साथ, तभी तो माँ अपनी बहू के साथ ऐसा कर रही है। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी थी, मेरे आने के बाद तो उन्होंने खाना बनाने वाली भी रख ली थी। अरे तो फिर तुमने क्यों काम वाली हटा दी, किसी के कहने पर अपना घर खराब कर रही हो तुम सुधा। अब बहू भी गई है ट्रेनिंग लेने, पता नहीं क्या सीख कर आएगी। नहीं नहीं, मैं अभी जाकर उसे ले आती हूँ। तभी बहू वहां पर आ जाती है। नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ आपके लिए ये नई साड़ी लेने गई थी, अब तो सब ठीक है ना।